सत श्री अकाल। चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लेने हैं सुर्खियों के वल। लोक सभा चोणां नूं लैके स्कूल ग्राउंडां च सियासी रैलियां करन ते लगी रोक, चोण कमिशन ने दिते निर्देश। श्रीनगर च लाइसेंसी हथियार लेके जान ते पाबंदी, चोन कमिशन ने हुक्म किते जारी। अफगानिस्तान च पाकिस्तान दे हवाई हमले, अमरीका ने संजम वर्तन दी कीती अपील, दोवां गवांडी देशां विचाले शब्दी जंग जारी। चोन कमिशन दे दिशा निर्देशों अनुसार लोक सभा चोणां दौरान पंजाब ते हरियाणा च सियासी पार्टियां स्कूल ग्राउंडां दी वरतों रैलियां ते जलसे आदि लई नहीं कर सकनगियां। पहलां वख-वख सियासी पार्टियां चोणां नेड़े रैलियां लई स्कूलां दे ग्राउंड दी वरतों करदियां रहियां ने, जिस दा काफी विरोध भी हुंदा रहा, क्योंकि इस नाल स्कूल च विद्यार्थियों की पढ़ाई का नुकसान हुंदा सी। कई वारी स्कूल ग्राउंडां च रैली करन विद्यार्थियों नूं छुट्टी भी करनी पैंदी सी, इस नाल उन्हां दी पढ़ाई का नुकसान हुंदा सी। इस कारण स्कूल च सियासी पार्टियों के प्रोग्रामां का विरोध हुंदा। पंजाब दे मुख चोण अधिकारी सिबन सिंह ने कहा कि कोई भी सियासी पार्टी स्कूल ग्राउंडां च रैली ते जलसे आदि नहीं कर सकेगी। देश के लोक सभा चोणां तो पहला श्रीनगर जिला मैजिस्ट्रेट ने एक हुक्म जारी करके जिले च लाइसेंसी हथियार लेके जाने पूर्ण पाबंदी लगा दी है। हुक्मां च कहा गया कि जिले में स्वतंत्र ते निरपक्ष चोणां नूं यकीनी बनाने लई जरूरी कानून व्यवस्था बनाई रखने यकीनी बनाने के तहत हुक्म जारी हुए ने। हुक्मां च कहा गया कि चोण प्रक्रिया के मुकम्मल होने तक जिले अंदर फौजदारी जाबता संगता 1973 की धारा 144 अधीन हुक्म जारी किए गए ने। इस तों पहला दिन में नैशनल कॉन्फ्रेंस के प्रधान उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस जम्मू कश्मीर में मौजूदा प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश में इको समय चोणां कराने के विचार को तोड़ दिता है, क्योंकि वह नहीं चाहते कि खेत्र में लोकतंत्र मुड़ स्थापित हो। मुख्य चोण कमिश्नर राजीव कुमार ने पहला दसिया सी कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चोणां लोक सभा चोणां तो बाद कराईयां जाणगियां, फिलहाल यह राष्ट्रपति शासन अधीन है। लोक सभा चोणां दीआं तरीकां दे ऐलान मगरों चर्चावां काफी तेज हो गईआं ने कि भाजपा बॉलीवुड दी कंट्रोवर्शियल क्वीन कंगना रनौत नूं हिमाचल तों टिकट दे सकदी है। खबरां मुताबिक कंगना नूं हिमाचल दी मंडी सीट तों टिकट दित्ती जा सकदी है। हालांकि अदाकारा ने भी चोण लड़न दी इच्छा जाहिर की है, उन्हां नूं मंडी तों टिकट देण दे मजबूत दावेदारां च गिणिया जा रहा है। दस दईए कि भाजपा ने हिमाचल प्रदेश दीआं चार चों दो सीटां ते उम्मीदवार खड़े कीते ने, दो सीटां कांगड़ा ते मंडी दीआं बचीआं ने। खबरां ने कि अदाकारा कंगना रनौत दा नाम वी उन्हां नावां शामिल है जिन्हां ते भाजपा मंडी सीट तो उम्मीदवारी लिए विचार कर रही है। यह भी दस दिए कि हुण तक भाजपा ने दो सूचियां जारी करके 267 उम्मीदवार के नावों का ऐलान किया, तीजी सूची भी जल्द आ सकती है जिसकी तरीक 20-21 मार्च दसी जा रही है। इन्हां च कंगना रनौत का नाम भी आ सकता है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में पुलिस ने चार नक्सलियों नूं मार मुकाया। सरकार ने इन्हां चार नक्सलियों से 36 लाख रुपए का इनाम रख्या होया सी। पुलिस नाल मुकाबले चारां दी मौत हो गई है। पुलिस सुपरिंटेंडेंट नीलोत्पाल ने दस्सिया है कि पुलिस नूं सूचना मिली सी कि कुछ नक्सली गुआंढी सूबे तेलंगाना तो प्रणहिता नदी पार करके गढ़चिरौली च दाखिल होए ने, जो आगामी लोक सभा चोणां लई लागू आदर्श चोण जाबते दौरान विनाशकारी गतिविधियां नूं अंजाम देने दे मकसद नाल दाखिल होए ने। गोलीबारी बंद होने तो बाद खेतर की तलाशी ले गई, चार नक्सलियों दी लाशां मिलियां ने। उन्हां ते 36 लाख रुपए का समूहिक नकद इनाम रख्या होया सी। अधिकारी ने दस्सिया कि AK-47 बंदूक, एक कारबाइन ते दो देसी पिस्तौल ते होर समान भी बरामद किया। अमरीका ने पाकिस्तान को अपनी अतवाद विरोधी मुहिम दौरान संजम बरतन की अपील की है।
इस तों कुछ घंटे पहला पाकिस्तान ने कहा सी कि उसने अफगानिस्तान च तहरीके तालिबान पाकिस्तान नाल जुड़े अतवादियों ते हवाई हमले किए ने। व्हाइट हाउस के प्रेस सकत्तर कैरिन जिन पियर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस च कहा कि अमरीका अफगानिस्तान से शासन करने वाले तालिबान नूं भी अपील करता है कि वह यकीनी बनाउण कि अफगानिस्तान की धरती नूं अतवादी हमले करने लई इस्तेमाल ना किया जाए। पाकिस्तान ने कहा कि उसने अफगानिस्तान के टीटीपी के अतवादियों से हवाई हमले किए ने, जदों कि पाकिस्तान के अशांत शहरों च हाल ही हुए अतवादी हमलों तो बाद दोवां गवांडी देशों विचाले शब्दी जंग चल रही है। पाकिस्तान के विदेश दफ्तर ने कहा कि टीटीपी के हाफिज गुल बहादुर समूह नाल संबंधित अतवादियों ने हमला किया। समूह ने फौज के एक चौंकी से हुए हमले की जिम्मेवारी ली सी, जिस दो अफसरों समेत सात जवान मारे गए सन। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक व्योता की मौत मगरों जम के हंगामा होया। व्योता की शक्की हालात च लाश मिलने की खबर जिवें ही उसके परिवार वालों नूं मिली, उन्होंने सहुरे पहुंच के हंगामा शुरू कर दिता। इन्हां ने पेके परिवार वालों ने सहुरे घर नूं अग ला दी, जिस कारण उसके सहुरे ते सास दी झुलस के मौत हो गई है। पुलिस के डिप्टी कमिश्नर दीपक भूकर ने दस्सिया है कि पुलिस नूं सूचना मिली सी कि अंशिका केसरवानी ने मुथीगंज थाना खेतर च अपने सहुरे घर च फाहा लैके खुदकुशी की, उसके पेके ते सहुरा पक्ष मौके से मौजूद सन। उन्होंने दस्सिया है कि इसकी सूचना मिलने से पुलिस तुरंत मौके ते पहुंच गई, जिथे दोवां धिरां आपस में लड़ रही सन। उसके माता पिता का दोष है कि उन्होंने धी अंशिका का कतल करके उसकी लाश को लटकाया गया। पुलिस वालों तुरंत कार्रवाई करते हुए पांच लोगों को घरों बाहर कढ़ लिया गया ते फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। फायर ब्रिगेड कामियां की मदद नाल अग ते काबू पा लिया गया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब भाजपा के प्रधान सुनील जाखड़ से निशाना साधिया। सीएम भगवंत मान ने ट्वीट करके कहा है कि जाखड़ साहब जिस पार्टी अज कल हो उसकी फिक्र करो, नाले पत्रकारों दस दिया करो कि मैं केड़ी पार्टी वालों बोल रहा। कांग्रेस वालों राज भाजपा के प्रधान ते अकाली दल नूं गठजोड़ दा सदा साहब जी, तुसीं मेरे पंजाब के लोगों नूं की समझते? मामला अमृतसर के एएस फार्म विखे दो गुटों विचाले हुई गुंडागर्दी का है, जिसन लैके छरेटा के प्रिंस नामक नौजवान ने दस्सिया कि उसके मालिक के बेटे से पैसों के लैण देण लैके हमला होया से, जिस संबंधी जो उस लैण गए तो कुछ नौजवानों वालों उन्होंने उपर दातर नाल हमला करके उन्होंने जख्मी किया गया, जिस संबंधी उन्होंने वालों पुलिस प्रशासन को बेनती की है कि उन्होंने उपर परचा दर्ज करने की बजाय दोषियों को गिरफ्तार कर। इस बारे जानकारी देंदे एसीपी पछवी ने दस्सिया कि उन्होंने वालों दोवें धिरों के बयान दर्ज कर बनती कार्रवाई अमल च लियांदी जाए। नायब सैनी हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने तो बाद पहली बार अंबाला शहर पहुंचे, उन्होंने स्वागत लिए वर्कर इकट्ठे हुए, जिन्हों वालों मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री की सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस वड्डी गिनती में तैनात की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी वर्कर को चिंता करने की लोड़ नहीं है, असी 10 सीटा जित के प्रधानमंत्री की झोली में पावांगे। फिरोजपुर अंदर गुंडागर्दी दी घटनावां लगातार सामने आ रही ने। ताज़ा मामले की गल करिए तो फिरोजपुर के जनता प्रीतनगर विखे एक गुरसिख परिवार के नाल कुटमार होने का मामला सामने आया। कुटमार करन दे आरोप किसी होर ते नहीं बल्कि लोगों नूं इंसाफ देने वाली पुलिस से ही लगे। पीड़ित परिवार के दसन मुताबिक यह कुटमार पीसीआर च तैनात एक पुलिस मुलाजम से उसके परिवार वालों की गई। उन्होंने कहा कि शरेआम गुंडागर्दी करदियां ककारां की बेअदबी की गई, जिसनों लैके जो सीनियर अफसर नाल गलबात करन दी कोशिश की गई तो किते ना किते अपने मुलाजम नूं बचाउण लई पल्ला झाड़दे नजर आ रहे। दूजे पासे जदों इस मामले नूं लैके थाणा मुखी नाल गल कीती गई तां उन्होंने यह कह के पल्ला झाड़ दिता कि मामला उन्हां दे ध्यान विच नहीं है। रूपनगर पुलिस ने साबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी नूं मोबाइल फोन से धमकी भरी कॉल करके 2 करोड़ रुपए की फिरौती मंगने वाले व्यक्ति नूं गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सीनियर पुलिस कप्तान रूपनगर गुलनीत सिंह खुराना वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान जानकारी दिंदे दस्सिया कि जिला पुलिस वालों सोशल मीडिया से वायरल हुई धमकी देने वाले व्यक्ति दीपक वासी महाराष्ट्र नूं काबू किया गया। पिछले महीने साढ़े नोटिस एक गल आई थी जो सोशल मीडिया की एक वीडियो सानू पता लग गया कि साढ़े एक्स सीएम जिहड़े हैगे चरणजीत सिंह चन्नी
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੈਂਸਮ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 22 ਨੰਬਰ FIR 387-506 IPC ਦੇ ਤਹਿਤ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ CIA ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਥਾਣੇ ਮੋਰਿੰਡੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦੀਪਕ ਸੀਮਾਂਤ ਕਾਂਬਲੇ ਹੈਗਾ, ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਔਰ ਇਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਾਫੀ ਕੀਤੀ, ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਚੰਗੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨੇ ਸ਼ੈਫ ਦੇ ਬਤੌਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਚੰਦ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਈਜ਼ੀ ਮਨੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪਈ ਔਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵੱਲ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।